हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। हम अपने करंट अफेयर्स के पार्ट 3 में आ चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे IFAS सिस्टम के बारे में, निपोन माइंस के बारे में, ICR ने एक वैक्सीन बनाई है उसके बारे में, और क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में पढ़ेंगे, निपोन माइंस के बारे में पढ़ेंगे, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, ICAR डेवलप्स वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीजेस इन कैटल, तो ICAR ने जो वैक्सीन बनाई है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम के बारे में देखेंगे, नोवेल लैंगिया हेनिका वायरस जो एक नया वायरस आया उसे हम देखने वाले हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंसेस PFAS के बारे में पढ़ेंगे, और सेंटर ने क्या है 31st एलिफेंट रिजर्व जो है वो नोटिफाई किया है तमिलनाडु में, तो उसे देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के सेशन। तो ये हमारी आज की पहली न्यूज है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जो इंडिया है उसमें पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है हमने अपने इंडिजिनियसली यानी कि स्वदेशी तकनीक से विकसित की है। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि जो इंडिया ने पहली फुल्ली यानी कि ट्रूली इंडिजीनियस है। इससे पहले क्या हो रहा था कि हमने जो भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बसेस बनाई थी वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेके बनाई थी, तो अभी ये जो है इंडिजीनियसली है, ये ट्रूली इंडिजीनियसली है, यानी कि इसका जो सारा डेवलपमेंट है वो भारत में ही हुआ है, डेवलप्ड बाय KPIT CSIR इन पुणे। तो जो KPIT CSIR नाम की जो संस्था है या इंस्टीट्यूट है, इसने बनाया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का बेनिफिट ही यही है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जीरो एमिशंस को फोर्स करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी है हमारे यहाँ पे 90% से ज्यादा हम डीजल डीजल फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितना भी हमारे कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से हमें काफी सारे पॉल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी है ये हमेशा हमें जीरो एमिशंस की तरफ लेके जाएगी, जो हमारे एनवायरमेंट को जो है कम से कम पॉल्यूट करेगा या जीरो पॉल्यूशन करेगा, और हमारे जो एनवायरमेंट को एक हेल्थी एनवायरमेंट के रूप में बनाने में मदद करेगा। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो आगे ये है कि जो इंडिया में क्या हुआ है कि तीन नए न्यू सिस्टम्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के लिए तीन नए सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिसमें एक है एफ इंसास, IF INSAS, निपुण माइंस और LCA। तो आइए हम इन तीनों को एक एक कर देखते हैं। तो जो एफ इंसास सिस्टम है इसमें क्या है, एफ इंसास स्टैंड्स फॉर फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, अ प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन एम्ड एट इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द सोल्जर। जो सोल्जर है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्हें काफी इक्विप्ड किया जाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट से, एल्बो पैड से, नी पैड से, गॉगल से, बैलिस्टिक और हेलमेट से। तो इस तरह से इनको हम फुल्ली इक्विप्ड करेंगे ताकि जो हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं जो हमारे यहाँ लड़ाई करते हैं वो हमें क्या होगा उनको वो हमें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद खुद ही बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे इस हाईटेक गियर टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह से हमने ये तीन जो सिस्टम्स हैं इनको हमारे सोल्जर्स के लिए बनवाया है। तो इट इंक्लूड्स एन AK-203 असॉल्ट राइफल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, विच इज अ रशियन ओरिजिन, रशिया की ओरिजिन है, गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड सिलेक्ट फायर असॉल्ट राइफल विथ रेंज ऑफ 300 मीटर। तो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि AK-203 असॉल्ट क्या है, तो आपको उसमें राइफल पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, मेड एट कोरवा नियर अमेठी इन रशिया इंडिया जॉइंट वेंचर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अमेठी यूपी में कोरबा के पास ये बनाई गई है, जो रशिया और इंडिया के जॉइंट वेंचर से ये राइफल बनाई गई है।
और ये जो एफ इंसास सिस्टम है, ये जो है पूरे सोल्जर को आप देख सकते हैं कि हेलमेट से लेके आई गियर से लेके गॉगल से लेके नी पैड तक सारी चीजें उन्हें दी गई हैं। टू ट्रांसफॉर्म द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द बॉर्डर एरियाज इनटू अ सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग मशीन। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको जब हम बॉर्डर पे असाइन करेंगे या डिप्लॉय करेंगे, तो ये अपने आप में एक पूरी सेल्फ कंटेन्ड फाइटिंग मशीन की तरह अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे सोल्जर्स की जो भी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, उसे ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं निपुण माइंस के बारे में। तो जो निपुण माइंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि तीन सिस्टम है, एक INFASS वाला सिस्टम था, अब ये निपुण माइंस है। निपुण माइंस क्या है? निपुण माइंस आर इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइंस टर्म्ड बाय DRDO एज अ सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन। आपने जैसे देखा होगा बहुत सी फिल्मों में कि जब भी कोई इंट्रूडर यानी कि हमारा कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कुछ माइंस बिछा दी जाती हैं। जो ये हैं, इनको बिछाने से क्या होगा, ये है एंटी पर्सनल यानी कि इस पर कोई भी आदमी जो भी हमारा दुश्मन या इंट्रूडर है जो अनऑथराइज एक्सेस करने वाला है हमारी बॉर्डर के इस पार, तो उधर पे ये जो है माइंस को बिछा दिया जाएगा और ये जो भी पर्सनल इस पे खड़ा होगा या इसको टच करेगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन है। एंटी पर्सनल माइंस आर मेन टू बी यूज अगेंस्ट ह्यूमंस एज अगेंस्ट एंटी टैंक माइंस दैट आर एम्ड एट हैवी व्हीकल्स। जैसे कि आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा कि एक होती है एंटी पर्सनल माइंस यानी कि किसी पर्सन को पैर रखते से ये ब्लास्ट कर जाएगी, और एंटी टैंक माइंस क्या होती है? एंटी टैंक माइंस वो होती है जो एंटी टैंक होती है, मतलब जो टैंक रहते हैं जब वो माइंस के ऊपर आते हैं उतना, जब हजारों टन का जब उस पे वेट आता है तभी वो ब्लास्ट होती है, किसी पर्सन के रखने से ये ब्लास्ट नहीं होती है। तो ये इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस दिया गया है। जब भी आप कोई मेंस एग्जाम लिखे तो इस तरह की बेसिक जो बातें हैं ये लिखने से काफी अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड कैन बी डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स। ये काफी स्मॉल है हम देख ही रहे हैं और ये काफी लार्ज नंबर पे डिप्लॉय की जा सकती है बॉर्डर एरिया। आप जानते हैं कि हमारा बॉर्डर एरिया काफी बड़ा है पूरी इंडिया का, तो इस तरह से इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। दीज माइंस आर डेवलप्ड विद द जॉइंट कोलेबोरेशन ऑफ द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो DRDO का है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और एक इंडियन फर्म ने मिलकर इसे बनाया है। ये रहा निपुण माइंस के बारे में। आइए हम जो तीसरा हम देख रहे हैं वो है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। अब ये क्या है? द लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर द बोट्स विद लिमिटेड कैपेबिलिटीज ऑपरेटिंग इन अ पेगोंग सो लेक। आप जानते हैं कि जो पेगोंग सो लेक है वो कहाँ पर है? हमारे इंडिया जो है उसके मतलब लद्दाख वाले एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में, ईस्ट साइड पे है, अक्साई चीन के जस्ट नजदीक पे है। तो पैगोंग सो जो लेक है उसमें क्या हो रहा है कि जो बोट्स रहती हैं, बहुत बड़ा लेक है ये एक्चुअली, तो उसमें जो बोट्स रहती हैं उसमें जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज में आ पाते हैं, मानी कि बहुत एक या दो या पांच छह सोल्जर्स ही एक बार एक बोट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने ये बनाया है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। इसमें क्या है, काफी सारे सोल्जर्स एक साथ वहां पर एज अ बोट की तरह वहां पर ऑपरेट कर सकेंगे और अपनी जो गश्ती या सर्विलांस कहते हैं उसे कर पाएंगे। तो मोर मोर वर्सटाइल एंड हैज ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ लॉन्च स्पीड एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी का मैंने बताया कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इसमें बढ़ जाएंगे, स्पीड ये एक अच्छी स्पीड की बोट है और लॉन्च करने में आसानी होगी। तो द LCA यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट इज टॉटेड टू बी द रिप्लेसमेंट फॉर बोट्स फॉर कैरिंग पर्सनल इन बैटल ऑपरेशंस। अब जो बैटल ऑपरेशंस हैं उनकी आप जानते होंगे कि उसमें टाइमिंग का बहुत खेल होता है, बहुत बड़ा खेल होता है कि जैसे ही हमारे ऊपर ऑपरेशंस में अटैक होते हैं या हम कहीं अटैक करने जा रहे होते हैं तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। और टाइमिंग के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स कम समय में डिप्लॉय किए जा सके। तो इस तरह से ये जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है ये एक अच्छे डिप्लॉयमेंट में अच्छे नंबर ऑफ ट्रूप्स यानी कि 35 ट्रूप्स 35 ट्रूप्स एक साथ वहां पर कैरी किए जा सकेंगे, वहां डिप्लॉय किए जा सकेंगे और हमें ऑपरेशन को जीतने में हेल्प मिलेगी। इट हैज इनहेंस द कैपेबिलिटी टू ऑपरेट अक्रॉस द वाटर ऑब्स्टेकल्स इन ईस्टर्न लद्दाख। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है वहां पे काफी सारे जो है
झील मिलती हैं या ग्लेशियर मिलते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर मैनुअली जाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर ऐसी चीजें जो जैसे लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है, इनमें जब सोल्जर्स जाएंगे तो हमारा जो सर्विलांस का काम है या हमारे ऑपरेशन है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय मेसर्स एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, तो इसे किसने बनाया? एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड गोवा ने बनाया है। ये एक इसका फुल फॉर्म आ सकता है, एलसीए क्या है? तो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है। ये बोट, एक बोट तरीके का है, इसमें 35 ट्रूप्स एक साथ जा सकते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या है और एलसीए क्या है या निपुण माइंस क्या है या निपुण ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनने का मटेरियल बन जाता है सिक्योरिटी जैसे पेपर में। और मेंस में तो इस तरह के आपको एग्जांपल्स लिखने ही है। यदि आप मेंस में इस तरह के एग्जांपल सिक्योरिटी इश्यूज में नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों के नाम और एक एक इनका काम याद कर लेना है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारी आगे की न्यूज ये है कि आईसीएआर डेवलप्स वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज इन कैटल। एक्चुअली जो आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने एक वैक्सीन बनाई है जो कि लंपी स्किन डिजीज को ट्रीट करेगी कैटल्स में। कैटल क्या होते हैं? मवेशी होते हैं, यानी कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब जो होते हैं, इन इनमें एक डिसीज हो जाती है, वो है लंपी स्किन डिसीज। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये इस तरह से इनको बॉडी में होल्स आ जाते हैं, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो जो लंपी स्किन डिसीज एलएसडी इज एंडेमिक टू अफ्रीका, ये जो है ये अफ्रीका की स्थानिक है, यानी कि वहां की एंडेमिक है, ये वहां से हमारे यहाँ आई है एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया वेयर इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1929 इन इंडिया विच हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट 303 मिलियन हेड्स ऑफ कैटल। एक्चुअली हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कैटल है पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे यहाँ कितने कैटल्स हैं? 303 मिलियन हेड्स ऑफ द कैटल। द डिसीज हैज स्प्रेड टू 15 स्टेट्स विद इन जस्ट 16 मंथ्स। जैसे कि ये लंपी स्किन डिसीज है, ये जो है बहुत जल्दी तरीके से ये पूरे देश में फैल गई है। इन इंडिया इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इट फ्रॉम मयूरभंज ओडिशा इन 2019। तो अब ये लंपी स्किन डिजीज के बारे में देख लेते हैं ये क्या है। ये जो है ये एक वायरल डिजीज है ऑफ कैटल एंड वाटर बफेलो वायरस, पॉक्स वायरस है लंपी स्किन डिजीज वायरस, पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिजीज वायरस है। इसका जीनस जो है वो कैप्री पॉक्स वायरस है, शीप पॉक्स वायरस है या गोट पॉक्स वायरस है। तो इस तरह से ये लंपी स्किन डिजीजेस के बारे में कुछ बातें थी। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ये जो है इट अपीयर्स एज नोड्यूल्स ऑफ 2-5 सेंटीमीटर डायमीटर। आप जैसे कि देख रहे हैं ये एक नोड्यूल्स की तरह है जो 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है, पूरी बॉडी में हो सकता है या हेड के अराउंड हो सकता है या नेक या लिम्स में हो सकता है, और उनके मेमरी ग्लैंड जो कि फीमेल कैटल होती है उनके आसपास हो सकता है और जेनिटल्स के आसपास हो सकता है। तो जो लम्स हैं वो ग्रेजुअली क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और डीप वॉर्म्स होते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा गहरे टाइप के छाले हो जाते हैं। और जो इनके साइंस क्या है, मतलब ये थोड़े नेसल डिस्चार्ज, फीवर, सडन डिक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन, इस तरह से ये अफेक्ट करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ इतने सारे कैटल्स हैं, तो हमारे इतने सारे डेयरी किसान भी होंगे, और इन डेयरी किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मिल्क प्रोडक्शन की। अब ये मिल्क प्रोडक्शन ही इससे परेशान हो जाएगा या जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इससे कम हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरह से लंपी स्किन डिसीज को ट्रीट करना हमारे देश में बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम थोड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में देख लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, यानी कि ये जो है आईसीएआर एनआरसीई ने बनाया है, जो हम वैक्सीन पढ़ रहे थे लंपी स्किन डिसीज की वैक्सीन, हिसार हरियाणा में है ये सेंटर, इन कोलेबोरेशन विद आईसीएआर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आईवीआरआई। ये आईवीआरआई का फुल फॉर्म एक बार एमपीपीएससी के क्वेश्चन में आया गया था 3 मार्कर में। तो आप इस तरह से जो चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये इनके आगे पीछे जो भी क्वेश्चन कभी आ जाता है तो बन जाता है। जैसे कि ये इजात नगर उत्तर प्रदेश में है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि आईवीआरआई कहाँ पर है इंडिया में, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इट इज अ होमोलोगस लाइव एटेन्यूएटेड एलएसडी वैक्सीन लंपी प्रोवैक्सिन, इस तरह से इसका नाम है लंपी प्रोवैक्सिन। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि लंपी प्रोवैक्सिन क्या है या फिर ये किस किस डिसीज को ट्रीट करता है, तो ये आपको थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए।
तो आईसीएआर के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये 16 जुलाई 1929 को बना था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश पीरियड में ही बन गया था। रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आप ये भी जानते होंगे कि ये वही संस्था है जिसने हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, और उसमें हेल्प करने में, मतलब उसे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में ऐसे ही इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना है। आइए फिर हम आगे देखते हैं क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम के बारे में। रिसेंटली अ वुमन फ्रॉम बेंगलुरु हैज फाइल्ड अ पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट टू स्टॉप हर नोएडा बेस्ड फ्रेंड हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम सिंस 2014 फ्रॉम ट्रेवलिंग टू यूरोप टू अंडरगो अ फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया। एक्चुअली यूथेनेशिया के बारे में आप जानते होंगे कि मतलब ये इच्छा मृत्यु होता है, कि हमारे देश में क्या है कि यूथेनेशिया पैसिव वाला अलाउड है और एक्टिव वाला अलाउड नहीं है। तो फिजिशियन असिस्टेंट मतलब कोई फिजिशियन इसको गाइड करेगा। तो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ नहीं, सब जगह यूथेनेशिया जहाँ जहाँ अलाउड होता है वहाँ पे क्या होता है कि यदि जो पेशेंट है वो इस तरह की बीमारी से ग्रसित है, या उस मतलब उसका ऐसा है कि बचना उसका या जिंदा रहना उसकी मानवीय गरिमा के खिलाफ खिलाफ जा रहा है, तो उसे इच्छा मृत्यु जब वो जाहिर करता है, या उसका जो गार्जियन होता है वो करता है कि उसे इच्छा मृत्यु दे दी जानी चाहिए। तो इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट में एप्लीकेशन होती है। जब कोर्ट और फिजिशियन जब अलाउ करते हैं तो उन्हें इच्छा मृत्यु का ऑर्डर मिल जाता है। तो जिसपे भी यदि वो पेशेंट हो, जैसे वेंटिलेटर पे हो या कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हो, तो उसे वहां से उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है, उसे वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद यदि उसकी खुद ब खुद डेथ होने वाली हो जिसकी वजह से वो जिंदा था, वो चीजें हटा दी जाती हैं ताकि वो आराम से अपनी मृत्यु को कर सके। क्योंकि हमारे देश में गरिमा के साथ जीने का तो अधिकार है, तो गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार है। तो इसीलिए यूथेनेशिया एक अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में आप जरूर सर्च कीजिएगा यदि आपको ये पसंद आए तो। इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। तो अभी आपने समझ लिया कि एक कोई वुमेन है, उन्होंने बेंगलुरु में पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनका जो फ्रेंड था वो यूरोप में जा रहा था फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया को करने के लिए, तो उससे संबंधित उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की होगी या कोई रिजल्ट मांगा होगा। ये हमारे न्यूज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए ये है कि ये क्रोनिक फैटिक डिसऑर्डर्स क्या है या क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम क्या है जिससे वो पीड़ित था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है इज ऑल्सो नोन एज माइल्जिक एनसेफेलोमाइलिटिस, इसे MECFS कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये एनसेफेलो वर्ड जो है ये ब्रेन से संबंधित है, यानी कि नर्वस सिस्टम का भाग है। तो इसका जो भी ये बीमारी है, इसमें जो भी मतलब इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, इससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, इट इज अ सीरियस एंड डिबिलिटेटिंग डिजीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि जो इंसेफेलो वर्ड होता है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है, द इम्यून सिस्टम एंड द बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह के डिसऑर्डर से वो पीड़ित है जिसे क्रोनिक फैटिक डिसऑर्डर सिंड्रोम कह रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम ये जो है जो वायरल इन्फेक्शन से, जब आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो रहा है, तो जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है जिसे ये हुआ है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, वो उसे बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो जाएंगे, ग्रैंडुलर फीवर रहेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, निमोनिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, इम्यून सिस्टम में खराबी आ जाएगी, हार्मोन का इम्बेलेंस हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम इनमें देखी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कि ये काफी सीरियस डिसीज नजर आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेस्ट है ही नहीं है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है, इसको टेस्ट कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, और उससे थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो MECFS है ये किसी को भी हो सकता है, और ये चिल्ड्रन से लेके एडल्ट से हर एज वालों को हो सकता है।
इस तरह से हमने देखा क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के बारे में, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम आप देख रहे हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम खराब है, तो इसमें कितनी सारी बॉडी के पार्ट्स खराब हो सकते हैं, जैसे कि इसमें टंग फैटिग स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है, वेट वेट का चेंज हो जाता है, एनर्जी नहीं, बॉडी में जो एनर्जी खा रहे हैं वो नहीं मिलती है, कभी किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो गया है, यानी कि फीवर भी रहेगा, कभी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, इस तरह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर, इतनी बड़ी बीमारी का कोई क्योर अभी तक बना ही नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर लेते हैं। कॉग्निटिव मतलब होता है कि संज्ञानात्मक क्षमता, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो जब छोटे से बड़ा होता है तो वो अपने आजू बाजू से और अपने मतलब दिमाग से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और उससे अपनी एक संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करता है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर कहलाता है, जिसमें हम समझते हैं कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, बोलने के लिए कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, इस तरह से ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, इस तरह से इस थेरेपी को किया जाता है। फिर एनर्जी मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बॉडी को खाने से जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने वाली है, तो इस तरह से इसका कोई ट्रीटमेंट होता है। फिर मेडिसिन दी जाती है ताकि क्या हो सके, जो ये सिम्टम्स जो जो हो रहा है, जैसे फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन दे दी जाएगी, पेन हो रहा है तो पेन की मेडिसिन दे दी जाएगी, स्लीपिंग का प्रॉब्लम है तो स्लीपिंग से संबंधित ड्रग्स दे दिए जाएंगे, तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है इस बीमारी का, तो ये काफी सीरियस बीमारी है। आइए फिर हम आगे देखते हैं, नोवेल लंगिया हेनिपा वायरस, अब एक नया वायरस आ गया है, केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन शेडोंग एंड हेनान प्रोविंसेस ऑफ चाइना, ये फिर चाइना से ही आया है, जहां पे नोवेल लंगिया हेनिपा वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं। द न्यू टाइप ऑफ हेनिपा वायरस ऑल्सो नोन एज लंगिया हेनिपा वायरस LAYV वॉज फाउंड इन थ्रोट स्वाब, स्वाब मीन्स होता है आपके जो माउथ से जो म्यूकस का सैंपल होता है उसे हम स्वाब कहते हैं, सैंपल्स फ्रॉम द फर्बाइल पेशेंट्स, मतलब जिन्हें बहुत ज्यादा फीवर है, जैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से एक आप देखते होंगे एक डिवाइस से वो हमारे बॉडी का थर्मल यानी कि टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उस तरह से फेब्राइल पेशेंट्स क्या हुए, जिनका फीवर या जिनकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उनका स्वाब सैंपल लेंगे थ्रोट से और चेक करेंगे कि लंगिया हेनिपा वायरस है या नहीं। तो ये LAYV जो निमोनिक है इसे आप जरूर से नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि ये है क्या या किससे संबंधित है। तो नोवेल लंगिया हेनिपा वायरस LAYV है, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई ये हैनान प्रोविंस और चाइना के शेडोंग से फिर से फैलने के उसके न्यूज आ रही है, दिस मे हैव कम फ्रॉम एनिमल्स, अब ये फिर से जूनोटिक वाली बात आ गई कि ये जो है ये एनिमल्स से मनुष्य में आ रहा है, इज एसोसिएटेड विद सिंपल सम फेब्राइल केसेस, वही फेब्राइल मतलब होता है जिन्हें थोड़ा सा फीवर है या जिनकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है उससे एनिमल्स से मैन में आ रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर है, फटीग है, कफ है, एनोरेक्सिया है, माइल्जिया है, एनोसिया है, तो इस तरह के सिम्टम्स जिनमें दिखाई दे रहे हैं उनमें नोवेल लंगिया हेनिपा वायरस होने के संकेत हो सकते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, कोई वैक्सीन नहीं है, और ट्रीटमेंट फॉर हेनिपा वायरस नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है हेनिपा वायरस के बारे में। तो अब हमने मैंने आपको बताया कि ये एनिमल से मैन में आ रहा है, तो ये क्या होता है, जूनोटिक हो गया, जूनोटिक डिसीज है ये, तो जूनोटिक डिसीज के बारे में देख लेते हैं और जूनोसिस के बारे में देख लेते हैं। ये भी अब जब जैसे हेनिपा वायरस अभी चर्चा में है तो जो एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उसके आजू बाजू के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये जूनोटिक डिसीज क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जूनोटिक डिसीज ओरिजिनेट इन एनिमल्स एंड कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस, यानी कि ये होता एनिमल्स को है लेकिन फैलता मैन तक है, इन्फेक्शंस ऑकर थ्रू बाइट्स और कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स बॉडी ली फ्लूइड, जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स से कॉन्टेक्ट में हम कब आते हैं, जब हम कोई नॉन वेज चीज यानी कि एनिमल्स प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं या उनसे बहुत ज्यादा क्लोजनेस मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे हमारे घर में पेट्स होते हैं या फिर हम फ्रिक्वेंटली ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ एनिमल्स बहुत ज्यादा होते हैं या एनिमल के बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो वहां पर इजीली स्प्रेड होते रहते हैं, जैसे कि स्लॉटर हाउसेस होते हैं, तो इन तरह से ऐसी जगहों से क्या होता है कि हम इनसे संपर्क में आ जाते हैं और ये एनिमल्स से हम तक आ जाता है, जैसे कि आप चाइना में जानते हैं कि वेट
वेट मार्केट है वहां पर, तो वेट मार्केट में वहां पर काफी ज्यादा एनिमल्स को कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड। तो इस तरह से काफी ज्यादा जो वायरस है, जो जूनोटिक वायरस है, वो वहां से ही हमारे यहाँ फैलते हैं। तो इस तरह से हमें एनिमल्स जो है, जो इन ऐसी बीमारियों से मतलब ग्रसित होते हैं, तो उनसे काफी दूरी मेंटेन की जानी चाहिए। उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रियॉन्स और पैरासाइट्स कॉज जूनोसिस। अब जैसे कि एनिमल से मैन में आना है, तो कौन कौन ला सकता है? वायरस ला सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रियॉन्स, पैरासाइट्स, इस तरह से जूनोटिक डिसीजेस हम तक आ सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? जूनोसिस कहा जाएगा। जैसे कि रेबीज है, इबोला है, सर्टेन स्ट्रेन ऑफ स्वाइन फ्लू, स्वाइन यानी कि पिग स्वाइन जो भी होते हैं, तो उन स्वाइन फ्लू, लेप्टोस्पाइरोसिस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, जीका, इबोला वायरस, रिकेटोसिस, प्लेग, चिकनगुनिया, डेंगू एंड जापानीज इंसेफेलाइटिस आर द मोस्ट नोटोरियस जूनोटिक डिसीज। ये सारे हमें हमारे जो ह्यूमंस में फैले हैं, ये सब एनिमल्स की देन है। तो इतने सारे जो वायरस, और ये सारी वायरस डिसीजेज है। तो आप कहीं वायरल डिसीजेज आपको लिखने के लिए आए, तो ये आप इसे अच्छे से नोट्स बना के रख सकते हैं कि ये जो रेबीज है, इबोला है, ये सारे जो है जूनोटिक डिसीजेज के भाग हैं, जिनका मेन जो होता है वो वायरस होता है। उसके बाद जो अब जूनोसिस की बारी, इतनी बातें चल रही है, तो एक वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, 6 जुलाई 1885 से शुरू किया गया है। और ये इसलिए शुरू किया गया है कि इट कमेमोरेट्स अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर, जिन्हें हम जानते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में, व्हाइट मतलब इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो जो ये लुईस पाश्चर हैं, वो एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज ऑफ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, इन्होंने सबसे पहले रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। तो बहुत सारे लोग जो लुईस पाश्चर हैं, उनको सिर्फ पाश्चराइजेशन की प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए जानते हैं, लेकिन इन्होंने रेबीज की वैक्सीन भी बनाई थी, ये हमें जानने को मिलता है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। अब जो सेंटर है, मतलब सेंटर ने नोटिफाई किया है इंडिया 31st एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है, वहां पे इंडिया का 31st एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई किया गया है। तो अब हम हमारी ये न्यूज है, इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो इंडियन एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट का जो जूलॉजिकल नाम है वो क्या है? एलिफस मैक्सिमस। अब एलिफेंट जो है वो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना में है। तो इस तरह से हमें इसके पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, यानी कि CMS जो है, जो हमारे गुजरात में हुआ था रिसेंटली, उसका कॉप हुआ था, CMS का COP 13 जो 2020 में हुआ था। तो उसमें, उसके अपेंडिक्स 1 में भी एलिफेंट को रखा गया, यानी कि ये सब इन अपेंडिक्स या शेड्यूल में रखने का मतलब ही यही है कि जो हमारे यहाँ के एलिफेंट्स हैं, उन्हें कुछ ना कुछ खतरा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनकी जो संख्या है या उनका जो काउंट है वो गिरता चला जा रहा है। तो इस तरह से इन्हें ये टॉपिक ऑफ कंसर्न बन चुके हैं, इसलिए इन्हें इन अपेंडिक्स में जोड़ा जाता है, यानी कि इनकी हंटिंग को प्रोहिबिट किया जाता है, या फिर उनको जो उनके बच्चे होते हैं या उनके यंगर वंस होते हैं, उन्हें कंजर्व किया जाता है, उनके हैबिटाट को कंजर्व किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से आना जाना कर सके, किसी हाईवे से ना टकराए। इस तरह से जो इनको, इनके जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, वो इस तरह से कंजर्व किए जाते हैं, जहां उन्हें ऐसी शेड्यूल्स और अपेंडिक्सेस में जोड़ा जाता है। तो उसके बाद ये जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, उसमें से 16 में जो है एलिफेंट पाए जाते हैं। तो और जो 2017 का जो एलिफेंट सेंसस हुआ था, उसमें हमारे देश में 27,312 एलिफेंट्स पाए गए थे, उसमें कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाए गए थे। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा एलिफेंट सेंसस में सबसे ज्यादा एलिफेंट स्टेट कौन सा है, तो कर्नाटका है। कर्नाटका जो है वो टाइगर में सेकेंड है, मध्य प्रदेश फर्स्ट है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जो कर्नाटका है, हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, 6049, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पे है? कर्नाटका में, फिर आसाम में, फिर केरला में, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में चालू हुआ था। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू हुआ। तो इस तरह से
आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, ये सब क्वेश्चन का मटेरियल बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारी न्यूज से ही आते हैं, तो हमारा जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे सारा स्टैटिक पार्ट जो है, जिस तरह से मैंने आपके लिए स्टैटिक पार्ट बनाया हुआ है, ये कवर होना चाहिए। कि एलिफेंट रिजर्व जो पूछा गया है वो तो पूछा ही जाएगा कि तमिलनाडु में कहाँ पे बना, कौन सा है, क्या नाम है, उसके अलावा उसका स्टैटिक पार्ट भी जो है ना वो क्वेश्चन का अच्छा मटेरियल बनता है, तो इसे हमें जरूर से पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद ये जो था प्रोजेक्ट एलिफेंट, वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, और जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरह से आपके कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, लगभग हर पॉइंट ही एक क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। और ये सारी चीजें जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में एज अ PDF अपलोड हो जाएंगी, तो उन्हें आप अपने नोट्स में कंपाइल करके रख लीजिएगा। तो ये मैंने आपके लिए फाइंड किया है जिसमें एलिफेंट रिजर्व के बारे में लिखा हुआ है सारे के सारे, तो आप इसे PDF से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्केल सब्सटेंसेस, ये जो PFAs हैं ये अभी चर्चा में हैं, तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, रेन वाटर फ्रॉम मेनी प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब इज कंटेमिनेटेड विद पर एंड पर फ्लोरो पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंसेस PFAs, विच आर कॉल्ड एज कॉल्ड फॉर एवर केमिकल्स। जैसे कि ये जो है द हिंदू में इसका आर्टिकल ही इसी नाम से आया था कि फॉर एवर केमिकल्स, इससे ही आप समझ रहे हैं कि ये कभी बायोडिग्रेड नहीं होंगे, ये हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे और कंटेमिनेशन करते रहेंगे, यानी कि ये पोल्यूशन करते ही रहेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे बरसात के मौसम में हमारे पूरे देश में जगह जगह बाढ़ का टाइम देखा जाता है, जहाँ पे पानी भरा ही रहता है, तो ये जो रेन वाटर है ये इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस को पूरे देश में पॉल्यूट कर रहा है, और जो भी हमारा पानी है, जो पोटेबल वाटर है, पीने का पानी है, वो खराब हो सकता है। और इस तरह के केमिकल्स जो है हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए बहुत ही हाई रिस्क केमिकल्स होते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टिक अराउंड इन द एटमोसफियर में स्टिक अराउंड हो जाते हैं, यानी कि उससे ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं कि वो कभी भी पॉल्यूट करते ही रहते हैं, यहाँ से दूर नहीं जाते, रेन वाटर एंड सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए हमारे सॉइल को भी कंटेमिनेट करेंगे। अब आप जानते हैं कि सॉइल और वाटर को कंटेमिनेट करने का मतलब ही यही है कि ये हम जब सॉइल में अपनी फसल लगाएंगे तो उसे हम सिंचाई भी करेंगे, तो सॉइल से भी और सिंचाई वाले पानी से भी, दोनों से ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी में, हमारी फसल जो हम खाना खाएंगे उसमें आ जाएंगे, और इस तरह से ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में न्यूज आई है। तो अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स यूज टू मेक फ्लोरोपॉलीमर कोटिंग्स एंड प्रोडक्ट्स दैट रेजिस्ट हीट, ऑयल, स्टेन्स, ग्रीस एंड वाटर, तो इस तरह की चीजों को ये रेजिस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हीट रेजिस्टेंट है, ऑयल रेजिस्टेंट है, स्टेन्स, ग्रीस एंड वाटर, तो इस तरह से ये जो केमिकल्स हैं आप देख रहे हैं कि वैसे भी ये अपने आप में इतने रेजिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमें बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये माइग्रेट कर सकते हैं टू सॉइल, वाटर एंड एयर ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन एंड यूज, सिंस मोस्ट ऑफ PFAS डू नॉट ब्रेक डाउन, दे रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ये हमारे एटमोसफियर में और हमारे एनवायरमेंट में लंबे समय तक बने रहेंगे, तो इससे हमारी जो हेल्थ है वो कितनी ज्यादा रिस्क पर होगी आप समझ सकते हैं। फिर कंसर्न क्या है, डू नॉट ब्रेक डाउन इन द एनवायरमेंट कैन मूव थ्रू सॉइल्स एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, बिल्ड अप बायो एक्यूमुलेट इन फिश एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, तो ये बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं, यानी कि ये जो भी इन जैसे एक्वेटिक फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल है और कोई वाइल्ड लाइफ है, तो यदि वो इनसे कंटेमिनेटेड कोई भी चीज को खा लेगा तो ये उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, और एक समय उनके में ये टॉक्सिक सब्सटेंस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसी बीच यदि उन्हें कोई और खा ले, जैसे मैन खा ले या कोई और वाइल्ड लाइफ का कोई और प्राणी खा ले, तो ये उसकी बॉडी में भी चले जाएंगे, तो ऐसे एक दो जानवर भी खाएगा तो उसकी बॉडी में ये मैग्निफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पर लगता है, तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। PFAS आर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड इन मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन लैंड एंड इन द वाटर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को काफी रिस्क पे कर सकते हैं, इसका एक्सपोजर जो है सर्टेन लेवल्स
से बढ़ जाए तो ये क्या कर सकता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी खराब कर सकता है, यानी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिप्रोडक्टिव इफेक्ट सच एज डिक्रीज फर्टिलिटी और इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को भी परेशान कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, या फिर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनमें फर्टिलिटी की हेल्थ को खराब कर सकता है। तो डेवलपमेंटल अफेक्ट्स और डिलेज इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लो बर्थ वेट, एक्सेलरेटेड प्यूबर्टी, बोन वेरिएशंस और बिहेवियरल चेंजेस, जैसे कि आप देखते हैं आजकल इतने ज्यादा हम केमिकल्स के एक्सपोजर में हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो जो हमारे यंगर वंस है यानी कि जो नए बच्चे हैं वो कितने ज्यादा बहुत जल्दी एंजाइटी प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं, या उन्हें बहुत ज्यादा मतलब एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है या फिर डिलेड प्यूबर्टी आती है, फिर मेंटल हेल्थ भी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये हमारे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो हम केमिकल्स के एक्सपोजर्स में रहते हैं ना, उसकी वजह से ये सब होता है। फिर हमारे यहाँ आजकल फर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आ रहा है, कितने सारे आप देख रहे होंगे कि IVF क्लिनिक्स खोल रहे हैं, तो इनका प्रॉब्लम भी यही है कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से हम केमिकल और पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद ये हमें कैंसर कर सकते हैं, किडनी को खराब कर सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस कर सकते हैं, फिर इनकी वैक्सीन वैक्सीन भी नहीं है, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चों में ओबेसिटी या बच्चों में क्या समी में ओबेसिटी ला सकते हैं, लेकिन हम देख रहे होंगे कि एक अनडिजायर्ड टाइप का मोटापा चल रहा है पूरे दुनिया में, सारे मतलब अमेरिका में भी आप जानते हैं कि मोर देन 60% पॉपुलेशन मोटापे से प्रॉब्लम है, ओबेसिटी से है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस तरह के केमिकल्स के एक्सपोजर से ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें पोल्यूशन को एज अ सीरियस प्रॉब्लम लेना चाहिए। तो ओके, थैंक यू गाइस, आपने इतना हमारे वीडियो को काफी पसंद किया है। हमारे जो चैनल है उसमें फॉरेस्ट्री का कोर्स चल रहा है, फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, और हमारे जो PDF है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको ये सारे PDF जो भी मैं बना रही हूँ, ये इतने डिस्क्रिप्टिव पे मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप उन PDF को ही एक बार रीड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट वही मिल जाएगा, आपको अदर कहीं और जगह मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज के लिए। तो ओके, थैंक यू।